वो सहारा लेते हैं अपने पिता के द्वारा किए हुए कामों का कि मेरे पिताजी ने उस समय में आप लोगों के लिए ये काम किए, लेकिन उनके पिताजी ने वो किए, उनका फल उनको मिल चुका है। आज बात है आज के लोगों की, आज के युवाओं की, उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। उनका जो हलके का विकास है, कोई करवाने वाला नुमाइंदा जो विधायक वो चुनेंगे वो होना चाहिए। और अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के बीच रहने वाली हूँ और मैं जिम्मेदारी लूँगी काम की। मैं बहुत रोष है सरकार के प्रति। आज किसानों को उनकी फसल बर्बाद, फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, आज MSP नहीं मिल रही, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहे। पीछे उन्होंने टेस्ट निकाले, पलवल के आदमी को सिरसा भेज रहे हैं, आदमपुर के आदमी को यमुनानगर भेज रहे हैं, कितने लोगों की जाने गई हैं उसके अंदर। और ना पर्याप्त पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना रोज़गार मिल रहा है। तो लोगों में रोष बहुत है, बहुत गुस्सा लोगों के अंदर है इस सरकार के प्रति। फिर मुख्यमंत्री की जो उनके शब्द वाणियाँ रही हैं पीछे, गर्दन काट दूंगा, जेल में डाल दूंगा, महिलाओं को कह रहे हैं आप निकल जाओ यहाँ से, तो एक घमंड जो उनको देख लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उनका भी काम किया नहीं, विकास किया नहीं, और फिर घमंड भी आ गया। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे एक ही जो उम्मीदवार बनते आए, कुलदीप जी, हमेशा काफ़ी समय से वो विधायक हैं, और ऐसे विधायक हैं जो चुनाव के समय आते हैं वोट लेने के लिए और उसके बाद गायब हो जाते हैं यहाँ से। लोकसभा से पहले मेरे 1.5 साल मेरे को कैंसर रहा गले में, और 2 बार मेरी सर्जरी हुई थी। लोगों को जब हमने बातें सारी बताई तो लोगों को समझ में भी आई है, लोकसभा से पहले भी, और अब लगातार उनके बीच में 3 महीने से हर घर हर ढाणी में गया हूँ। लोग समझ रहे हैं और आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दिखेगा, लोगों का उत्साह और जोश आप देख ही रहे हैं। आप देखिए, हम जीत तो पहले ही चुके हैं, ये हमने लोकसभा में साबित कर दिया। 23,000 से हम लोग जीत चुके हैं पहले ही, और यहाँ की जनता उनको जवाब दे चुकी है और पूरी तरह से मन बना चुकी है कि कमल का फूल विधानसभा में भी खिलाना है। किसी ऐसे आदमी को हम अब अपने सर पे नहीं बिठा सकते जो कभी आपको दिखता ही नहीं है, जो कभी बोलता ही नहीं है, जो कभी मिलता ही नहीं है, जो काम क्या करेगा। ऐसे आदमी को विधायक बिल्कुल भी आदमपुर की जनता नहीं बनाने वाली है। जब आदमपुर में हारे तो कहीं ना कहीं मैं शर्मिंदगी महसूस करता रहा कि मैं अपने सोनिया जी को, राहुल जी को मिल नहीं पाया उसके बाद इस तरीके से, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस की मेरे अपने हल्के के अंदर मुझे मेरे लोगों ने हरा दिया। और अब लोग इस बात को समझ रहे हैं, कुलदीप की मजबूती आदमपुर की।